नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मानचित्र कला के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र प्रक्षेप के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछली कक्षाओं में हमने प्रक्षेपों के प्रकार और बेलनाकार प्रक्षेपों के बारे में चर्चा की। उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप उनको देख सकते हैं। मोलविट्स होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसका निर्माण एक जर्मन मानचित्रकार कार्ल ब्रेंडन मोलविट के द्वारा 1805 ईस्वी में किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसको मोलविट का समक्षेत्र प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जो अपनी दीर्घ वृत्तीय सीमाओं के द्वारा पहचाना जाता है। यहां पर आप चित्र में देखेंगे कि इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, एक दीर्घ वृत्त एलिप्टिकल शेप की है और यही इसकी क्या है, एक पहचान है। स्कूल व्याख्या था 2009 में डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा मानचित्र प्रक्षेप अपनी दीर्घ वृत्तीय सीमाओं के लिए जाना जाता है। तो ये मोलविट का जो समक्षेत्र प्रक्षेप है, यह अपनी दीर्घ वृत्तीय सीमाओं के द्वारा पहचाना जाता है। तो सबसे पहले चीज मोलविट प्रक्षेप, मोलविट प्रक्षेप, ठीक है, इसका निर्माण जर्मन मानचित्रकार कार्ल ब्रेंडन मोलविट द्वारा 1805 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कार्ल ब्रेंडन मोलविट क्या थे, जर्मन मानचित्रकार थे। कब किया गया निर्माण, 1805 ईस्वी में किया गया और मोलविट के नाम पर ही इसको क्या कहा जाता है, मोलविट प्रक्षेप कहा जाता है। अगली चीज, यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जो अपनी दीर्घ वृत्तीय सीमाओं द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, अपनी दीर्घ वृत्तीय सीमाओं के द्वारा पहचाना जाता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूल व्याख्या था 2009 में, कि कौन सा मानचित्र प्रक्षेप अपनी दीर्घ वृत्तीय सीमाओं के द्वारा पहचाना जाता है, तो कौन सा, मोलविट प्रक्षेप। इसकी जो सीमाएं हैं वो कैसी है, इलेप्टिकल शेप में है, दीर्घ वृत्तों के रूप में है। अगली चीज आप देखेंगे कि इसमें सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है, समानांतर रेखाओं के रूप में स्थित है। जो भी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है, सीधी और समानांतर रेखाओं के रूप में स्थित है और इनके मध्य की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो इनके मध्य की दूरी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे कि इसमें जो केंद्रीय मध्यान रेखा है वो भी क्या है, एक सीधी रेखा के रूप में स्थित है। केंद्रीय मध्यान रेखा भी सीधी रेखा के रूप में स्थित है। तो सभी अक्षांश रेखाएं सीधी व समानांतर होती हैं तथा विषुवत रेखा से
ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इनके जो मध्य की दूरी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहां से? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। नेक्स्ट चीज, इसमें केंद्रीय मध्यान रेखा सीधी होती है, इसमें जो सेंट्रल मेरिडियन है, केंद्रीय मध्यान रेखा है, वो क्या होती है? सीधी होती है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2009 के ही स्कूल लेक्चर के एग्जाम में। आप इसमें देखेंगे कि ये जो लाल कलर से दिखाई दे रहा है कि जो ये 90 डिग्री देशांतर रेखा है वह अर्धवृत्त के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, 90 डिग्री आपको इधर दिखाई दे रही होगी और 90 डिग्री ही आपको इधर दिखाई दे रही होगी। तो 90 डिग्री पूर्वी तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं मिलकर एक वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये क्या है? अर्धवृत्त है। 90 डिग्री देशांतर तो इधर है और 90 डिग्री देशांतर क्या है? इधर है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा मिलकर एक क्या करती है? वृत्त का निर्माण करती है। अन्य सभी जो देशांतर रेखाएं हैं वो तो क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। इसमें केवल क्या है? 90 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। नेक्स्ट चीज इंपोर्टेंट करके लिखिएगा आप, इसमें 90 डिग्री देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ये भी आपसे स्कूल लेक्चर 2009 में ही पूछा गया है कि किस मानचित्र प्रक्षेप में 90 डिग्री देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। तो किसमें? मोल्विड प्रक्षेप में 90 डिग्री देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ठीक है, 90 डिग्री पूर्वी तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा मिलकर, 90 डिग्री पूर्वी तथा 90 डिग्री देशांतर रेखाएं एक वृत्त के दो भाग होते हैं। ठीक है, इनके अलावा सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? दीर्घवृत्ताकार होती हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मोल्विड प्रक्षेप में जो 90 डिग्री देशांतर रेखा है वो क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही वृत्त के दो भाग होते हैं। अन्य सभी देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। चूंकि इसमें सभी जो अन्य देशांतर रेखाएं हैं वो दीर्घवृत्तीय होती है, इस कारण इसको दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप किसको कहते हैं? तो मोल्विड प्रक्षेप को ही दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अन्य सभी देशांतर रेखाएं किसको छोड़कर? 90 डिग्री देशांतर रेखा को छोड़कर अन्य सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है? दीर्घवृत्तीय होती हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्तीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसे
नेक्स्ट चीज देखिए कि इस मोल्विड प्रक्षेप में जो केंद्रीय मध्यान रेखा है वो विषुवत रेखा की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, तो ध्यान दीजिएगा कि मोल्विड प्रक्षेप में जो केंद्रीय मध्यान रेखा है वो विषुवत रेखा की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। इसमें केंद्रीय मध्यान रेखा विषुवत रेखा की लंबाई की आधी होती है। इसमें केंद्रीय मध्यान रेखा विषुवत रेखा की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। और इसमें जो विषुवत रेखा है वो भी अपनी लंबाई की तुलना में छोटी होती है। कितनी होती है, अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में 2πr होती है। इस कारण इस विषुवत रेखा पर भी जो मापनी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा अपनी वास्तविक लंबाई की 2πr होती है। इस कारण विषुवत रेखा पर भी मापनी छोटी होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर भी मापनी क्या होती है, छोटी होती है। अब इसके उपयोग की बात करें कि मोल्विड का जो समक्षेत्र प्रक्षेप है वो किस उपयोग में आता है, तो मोल्विड का समक्षेत्र प्रक्षेप संसार में विश्रण वितरण मानचित्र बनाने के उपयोग में आता है। ठीक है, वर्ल्ड का जो मैप बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैप, वो किसके ऊपर बनाया जाता है, मोल्विड प्रक्षेप के ऊपर ही बनाया जाता है। तो मोल्विड प्रक्षेप संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो उपयोग में आप लिख लीजिए उपयोग, संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इसका काफी उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत है कि इसका जो सीमा वाला भाग है यहां पर क्या है, विकृति काफी ज्यादा हो जाती है। तो वर्तमान समय में इसकी तुलना में या इसके स्थान पर विच्छिन्न मोल्विड समक्षेत्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विच्छिन्न मोल्विड प्रक्षेप कौन सा है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है कि सीमावर्ती जो भाग है यहां पर विकृति काफी अधिक हो जाती है। इस कारण इसके स्थान पर विच्छिन्न मोल्विड प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है।